फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिएगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि UPSC ने पैट एग्ज़ाम 2022 कंप्लीट करा लिया है 15 और 16 अक्टूबर को। तो फ्रेंड देखिएगा, ये जो एग्ज़ाम हुआ था आपके दो पालियों में हुआ था, ठीक है, 15 में भी आपका दो पाली में और 16 में भी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आप पैट के आपके पास 4 क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन पेपर को मैं आपके सामने लेकर आऊँगी। और फ्रेंड्स, आज जो मैं लेकर आई हूँ है आपका पैट, देखिएगा पैट पेपर सेकंड शिफ्ट 16 अक्टूबर। जी हाँ फ्रेंड, 16 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का आपके सामने ये पेपर है। आज हम इसको जो है सोल्व करेंगे, देखेंगे इसके जो है क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और उनके आंसर जो है क्या आंसर हैं, ठीक है, मतलब कि क्या इसमें सही आंसर है उसके बारे में इसमें बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है, वेरिएबल ATM कार्ड्स और ऑफलाइन UPI किस कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए, ठीक है, लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा आपका डी, यानी कि एश मनी। अब आगे बात करते हैं इसमें, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने यहाँ देश पूछा है, ठीक है, तो कौन से हैं वो, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका और मालदीव। और इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने कैपिटल पूछी है ओमान देश की, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डी, यानी कि मस्कट। अब इसमें आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव है इसमें, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर थे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गणेश मावलंकर, और इसको शॉर्ट में GV मावलंकर भी बोल देते हैं। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 मई। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है यानी कि व्हाइट सिटी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमें वो छांटना है जो कि यूनियन टेरेटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, बाकी तीन हैं। तो फ्रेंड देखिएगा, दमनदीप जो है ये भी है, जो आपकी है पुडुचेरी ये भी है, क्वारती ये लक्षद्वीप की है। तो ये फ्रेंड जो है तीनों ही किसकी हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश की हैं, लेकिन आइजोल जो है ये मिजोरम की है, मिजोरम एक स्टेट है यानी कि राज्य है, ठीक है। तो आइजोल जो है, यहाँ से आपका आंसर ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी कि आइजोल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, 9 देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। फ्रेंड्स, इन्होंने जो है USA यानी कि आपका अमेरिका का क्या पूछा है, राष्ट्रीय खेल पूछा है, नेशनल गेम पूछा है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, बेसबॉल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। तो फ्रेंड्स, हिंद स्वराज पुस्तक है ये लिखी है महात्मा गांधी जी ने, तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, 11 देखिएगा, हरित लेखांकन यानी कि फ्रेंड्स इसका मतलब है ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है, तो क्या अर्थ है ये मैं बताना है, कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन जो किया जाता है, तो ये जो मतलब किससे संबंधित है ये बताना है हमें। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के आकलन को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होता है, देश की राष्ट्रीय आय का मापन करना होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, 12 देखिएगा, संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मणिपुर। आइए अब इसमें आगे देखते हैं, देखिएगा इसमें आगे अनुच्छेद दिया हुआ है हिंदी का, और जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 से 17 तक हमें आंसर करने हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो अनुच्छेद है आप इसे आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यदि हम यहाँ इसे पढ़ते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ देखते हैं हम सीधे जो है इसके क्वेश्चन और आंसर पर आते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 है अनुच्छेद का, नेता क्यों नहीं चाहते थे कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकार के प्रति जागरूक बने, सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है। तो फ्रेंड, जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे, अनुच्छेद को पढ़ेंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी कि
शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरण को बिगाड़ देते हैं। तो ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब इसमें आगे बात करते हैं, इसका जो क्वेश्चन है 14 14, देखिएगा, निम्नलिखित में आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इसका सबसे सही जो आंसर है, तार्किक आंसर है, हमें वो देना है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर, देखिएगा 1 मिनट, तो आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे, ठीक है। इसका जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, आपका 15वां क्वेश्चन है। तो ये देखिएगा, ये नेता येनकेन प्रकरण, साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है, सबसे तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है, तो हमें बताना है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना, इनका क्या है, एक उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 देखिए, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं। तो फ्रेंड, इसका जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने का वायदा करना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, ठीक है। 17 देखिएगा, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं, सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर जो है हमें देना है, कौन सा इसका आंसर सही है। तो फ्रेंड, इसका जो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आते हैं, यही इनका क्या है, उद्देश्य होता है, इसलिए पार्टी बदलते हैं। अब इसमें देखिएगा, हिंदी का दूसरा अनुच्छेद है, जैसे कि आपको मालूम है कि इसमें दो गद्यांश यानी कि दो अनुच्छेद आते हैं, एक हमने कर लिया है। अब इसमें जो है 1822 तक हमें इसमें आंसर करने होंगे, और ये जो गद्यांश है फ्रेंड, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जब आप आंसर करेंगे तो आपको जो है सही आंसर पहचानने में काफ़ी आसानी होगी, इसलिए फ्रेंड्स हम सीधा जो है क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। क्वेश्चन देखिएगा 18 है, यानी कि 18 है, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है। तो इसमें क्या पूछा है फ्रेंड्स, हमारा जीवन कब किससे भर जाता है, निराशा के अंधकार से। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी, जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, हमारा जो जीवन है वो निराशा के अंधकार से भर जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि 19, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए, ये आपका क्या है, राइट आंसर हो जाता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 देखिएगा, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है। तो फ्रेंड, इसका आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं। तो फ्रेंड देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या राइट है, इसमें आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, चिंतितता, संतुष्टि और आत्मविश्वास क्या है, ये हमारे भाव रचनात्मक हैं। अभी इसमें एक क्वेश्चन और रह गया है, क्वेश्चन नंबर 22, इसका ध्यान, इसका, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं। तो फ्रेंड, इसका जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं, इसका ये सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो है DI स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि ग्राफ, और जो आपका पाई चार्ट है, मैथ के क्वेश्चन, यानी कि आपको मालूम है कि 20 नंबर के यहाँ से DI पूछा जाना है आपको, ठीक है, पूछा गया है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, उन्हीं को देखेंगे, यहाँ आप ये देखिएगा, ये जो है टेबल का एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ये आंकड़े दिए गए हैं, अधिकतम अंक इसमें दिए गए हैं, सभी सब्जेक्ट हैं, बच्चे ने जो है 150 में से कितने अंक जो है प्राप्त किए हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना होता है कि हमें ये काफ़ी ध्यान पूर्वक, ठीक है, केयरफुल होके ये पढ़ने होते हैं, देखना होता है कि इन्होंने क्या दिया है, और हमें उसी के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन करना होता है। तो फ्रेंड्स, हम जो है इसमें सिर्फ ध्यान यहाँ देंगे, इन्होंने जो ये डेटा दिया ना, 6 विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत,
को दर्शाती है। तो फ्रेंड्स ये जो डेल्टा है ना, ये जो दिया हुआ है 65-60, ये सब परसेंट में है, ठीक है। कैसे, जैसे कि हिस्ट्री है, इतिहास है, 150 में से जो बच्चे को अंकित है उसको जो मिला है ना 65, ये नंबर नहीं मिला है उसको, जो मिला है ये परसेंटेज मिला है, ठीक है। 150 में से 50 का उसका जो है 65% नंबर आया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना होगा, जो ये परसेंट दी हुई है इनको हमें नंबर में बदलना है, हमें नंबर निकालने हैं कि बच्चे ने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, फिर हमने जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है कि उन्होंने क्या पूछा है। आइएगा फ्रेंड्स सीधे अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितने हैं। तो फ्रेंड्स 7 छात्र हैं, ये अंक पूछे हैं। देखिएगा मैंने पहले बताया था ये जो डेटा दिया गया है ना ये अंक नहीं है, ये आपका परसेंटेज है, और आपका जो अंक है वो कहाँ है, अंक मतलब इसमें टोटल अंक दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आपका इतिहास विषय है वो 150 का है, मैथ यानी गणित है आपका 130 का है, यहाँ पे अपना टोटल नंबर दिया हुआ है और ये आपकी परसेंटेज है। यहाँ से आपको क्या करना है, मार्क्स निकालने हैं बच्चे के कि इसके इतिहास में कितने आए हैं। तो इस तरह से जब आप निकालेंगे तो आपको जो है जो आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, 89। अब इसमें आगे बात करते हैं, देखिएगा 24 क्वेश्चन है। 24 में देखिएगा, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं। तो फ्रेंड जब आप निकालेंगे तो आपको जो मिलेगा इसमें ऑप्शन नंबर बी 442। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है। तो फ्रेंड्स कुल प्रतिशत जो है किस में न्यूनतम आया है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, यानी कि गणित मैथ में जो है प्रतिशत न्यूनतम है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है। तो ब्रजेश को जो है कुल कितना परसेंट मिला सभी विषयों में मिला के। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 78%। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा जी। हाँ फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 सही है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है फ्रेंड। तो ये जो आपका पहला जो टेबल वाला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है 27 तक क्वेश्चन। अब यहाँ से जो 28 से 32 तक आपका जो है नया टेबल ये है, ठीक है, नया टेबल है, नई इसमें ये अंक तालिका दी गई है। इसमें देखिएगा, इसमें कारों के बारे में बताया गया है, कंपनियाँ जो हैं ABCD करके इस तरह से आपको दिए गए हैं। इसमें जो है वर्ष दिया गया है कि किस वर्ष में कितनी कारें बनी हैं। टाइप्स ऑफ कार, कार ए जो है कितनी कारें बनी हैं 2016 में, ठीक है, ए कितनी बनी है, बी कितनी बनी, इस तरह से इन्होंने दी हुई है। फ्रंट देखेगा क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत थी, ठीक है, या प्रतिशत की थी। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन है डी यानी कि 10.87। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है। तो फ्रेंड इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इनमें से कोई नहीं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, वर्ष 2016 से 21 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कारों की संख्या अधिकतम थी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी आपका ऑप्शन है, और वैसे कार की बात करें तो कार जो है आपकी ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4.35। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 53.5%। आगे देखिएगा, क्वेश्चन खत्म हो गए आपके इस वाले टेबल के। अब इसमें आगे देखिएगा 33 से 37 तक चार्ट दिया गया है, ठीक है, प्रकाशन का खर्च है, वितरण है, और जो ये सॉल्व करके हमें इनके आंसर देने हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है। तो फ्रेंड देखिएगा, खंड सेक्टर आपको जो निकालना है वो संवर्धन लागत पर निकालना है। यहाँ देखिएगा संवर्धन लागत कितनी है, ये 5%। तो फ्रेंड जब आप निकालेंगे 5%, तो जब आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 18 डिग्री यानी कि 18 डिग्री,
ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर होगा। अब है आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 34। पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 40। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यदि 5,200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया है और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये होगा आपका 385.5। अब आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 36। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? तो फ्रेंड इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यदि पुस्तक की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी? फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 16,480। वही फ्रेंड्स अब इसमें आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से 42 तक। यहाँ आपको दिया गया है रेखा ग्राफ, रेखा ग्राफ को जब आप इसका अध्ययन करेंगे ठीक है तो फ्रेंड्स आप जो है इसके आंसर आराम से कर पाएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे? फ्रेंड्स इसमें जो है आयात और निर्यात का अनुपात दिया गया है, इसने पूछा है कि किस वर्ष में जो है अल्पतम अनुपात था। तो फ्रेंड्स सिंपल सा इसका जो है आप यहाँ से देखेंगे सबसे कम देखेगा यहाँ पर आ रहा है ठीक है एन का अनुपात, तो ये जो आपका हो जाएगा 2003 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसमें आगे देखेंगे 39। यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और वर्ष 2004 एवं 5 का कुल संयुक्त निर्यात जो है आपका 500 करोड़ था तो वर्ष 2005 में आयात कितना था? फ्रेंड जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन बी, यानी कि 450 करोड़। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 है इसमें आपका। यदि 2002 में कंपनी का आयात ठीक है कितना है, रुपये 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी से निर्यात था। तो फ्रेंड जब आप इसमें देखेंगे 2002 में जो आपका रेखा ग्राफ है निकलाइन ग्राफ है उससे अनुपात निकालेंगे, यहाँ पर जो है आपका आयात दिया हुआ है ठीक है, आपको क्या निकालना है निर्यात निकालना है, यहाँ पर आपको रेशियो मिलेगा, आप जो है क्या करेंगे निर्यात को यहाँ भेज देंगे और आप रेशियो को यहाँ ले आएंगे और जब आयात में आप जो है भाग करेंगे ठीक है तो आपको क्या मिल जाएगा निर्यात मिल जाएगा, कितना आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 325 करोड़। अब इसमें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? तो फ्रेंड इन्होंने पूछा है जो निर्यात था वो अधिक था किससे, आयात से। और फ्रेंड जो आपको रेशियो दिया गया है ना ये ग्राफ का, ये दिया गया है आयात बटा निर्यात, यानी कि आयात और निर्यात का। तो फ्रेंड देखिएगा निर्यात कब ज़्यादा होगा ठीक है, जब निर्यात ज़्यादा होगा तो आपका जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो एक से कम आएगी ठीक है। अब जो है इसमें देखेंगे लाइन ग्राफ में जहाँ एक से कम होंगी उनको काउंट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, ये चार वैल्यू ऐसी हैं जो एक से कम है, यानी कि आपका निर्यात ज़्यादा है आयात से। तो फ्रेंड इस तरह से जो आपका आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और जो आपका आंसर है 4 है। आगे देखेंगे 42। वर्ष 2003 से 4 तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो फ्रेंड देखिएगा 2003 का हमारे पास अनुपात है आयात निर्यात का, 2004 का भी अनुपात है आयात और निर्यात का, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितना आयात है या फिर कितना निर्यात है, इसलिए फ्रेंड्स हमारे पास डेटा की कमी है, यानी कि डेटा क्या है अपर्याप्त है। जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा एकदम सही होगा, यानी कि अहिंसा। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए खिलजी। आगे बढ़ते हैं, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ठीक है इसमें डेयर से अवध को कब्जे में लिया, मतलब किस तरह से लिया? तो इसमें जो आपका आएगा आंसर वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प नीति के माध्यम से। आगे है आपका 47। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। फ्रेंड इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए लोथल, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में। आगे देखिएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 48। बंगाल में ठीक है डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा और पीला डिजाइन किया गया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन। अब है आपका क्वेश्चन 49।
खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति, ठीक है, समिति का गठन किया गया, यानी कम्युनिटी का, तो ये है ऑप्शन नंबर ए 1919 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 50, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। आपका राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 6 इसका क्या है राइट आंसर है। आगे देखेंगे 51, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिपाहियों द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो फ्रेंड्स ये है गुरु शिखर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे है, ग्रीष्म काल में उत्तर मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती हैं, वो कहलाती हैं फ्रेंड्स लू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, भारत की मानक यामोत्तर रेखा है, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये है आपका 82°30' पूर्वी देशांतर। आगे है इसमें 55, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। तो फ्रेंड्स ये था ऑप्शन नंबर डी, क्रिप्शन मिशन की विफलता में। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए कंचनजंगा। आगे है आपका, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स ये है आपका LPG, इसका मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये क्या है, नई आर्थिक नीति का मॉडल है। आगे है 58, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम, मतलब कि यदि प्राइवेट हो या सरकारी बने तो उसे कम से कम कितना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन होगा ए 51%, यदि 50-50 है तो फ्रेंड्स क्या होगा, वो अर्ध सरकारी होगी, यदि 1% भी जिसका ज़्यादा होगा वो उसी की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि 51 यदि प्राइवेट का है तो प्राइवेट कंपनी हो जाएगी, और यदि सरकार का सरकारी कंपनी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी, यानी कि सीतापुर। आगे देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 60, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका सी, नाबार्ड, ठीक है। आगे देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 61, ये है आपका, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया। फ्रेंड जो आयोग ने आंसर दिया है वो दिया है आपका इसमें देखिएगा विदेशी, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, ये क्या दिया है आयोग ने आंसर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स देखिएगा मोस्टली सभी कैंडिडेट का जो आंसर है ये सभी होगा, ठीक है, ये सारे हैं सभी हैं, इस तरह से जो आंसर होगा बी सही है, ये सभी, और आयोग ने अपना आंसर ये दिया है, ठीक है, बच्चों ने इस पर ऑब्जेक्शन भी किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किस पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये होगा जेवर, यानी कि जो ज्वेलरी होती है उन पर जो मार्क लगा होता है उसको हॉलमार्क कहते हैं। आगे देखिएगा इसमें क्वेश्चन 63, यह वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। इसका ऑप्शन होगा डी, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित किया गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 4 के। आगे है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है। तो फ्रेंड्स ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, संघ की राजभाषा। आगे है क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक परिभाषित करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, अनुच्छेद 160, सॉरी, ठीक है, अनुच्छेद 110, 60 जो है गलती से ये बोल दिया गया, जबकि क्या है 110 है, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, सफ़ेद, क्योंकि फ्रेंड जो आपका 7 रंग होते हैं वो जो वाइट लाइट होती है जब उसकी स्कैटरिंग होती है तो इसी से ही 7 रंग बनते हैं वाइट लाइट से, इसलिए इसमें सफ़ेद रंग नहीं होता है, क्योंकि सफ़ेद रंग जो होता है उसी का ही क्या होती है, स्कैटरिंग होती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। तो फ्रेंड्स मेथेन ग्रीन हाउस है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये क्या है, ग्रीन हाउस है, जबकि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, यानी कि आर्गन क्या है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आगे है 69, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। तो फ्रेंड्स ये है आपका सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3, इसको ये जो है केमिस्ट्री में
ठीक है, फॉर्मूला जो है ये है, इसको वॉशिंग सोडा कहते हैं या फिर सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो आपका जो है ऑप्शन सी राइट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 65। ठीक है, 65 क्या है? एज है जब उनको रिटायर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 71 देखिएगा, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। आगे है इसमें मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके जो आंसर होगा फ्रेंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1.517। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर 1. क्या होगा? 517 निकल कर आएगा। आगे है आपका 73 क्वेश्चन है, ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 60,000 आपका क्या राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? ये पूछिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 क्रमिक है यानी कि लगातार है, तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से लिख लिया। अब क्या बोला इन्होंने, औसत, ठीक है, औसत क्या होता है फ्रेंड, बीच की संख्या, कुल कितनी है 7, तो बीच में कौन सी पड़ेगी आपकी, ये वाली, तो ये कितनी है, देखिएगा कितने दिन उन्होंने 20 दिए, इसके बाद क्या आएगी, क्रमिक मतलब लगातार है, 20 के बाद 21 फिर 22 फिर क्या आएगी 23, ठीक है, इन्होंने क्या पूछा सबसे बड़ी, तो आपकी जो है इसमें आंसर 23 हो जाएगा। यदि आपसे छोटी पूछता तो आप इधर को चलते, यानी कि 20 से पहले 19 फिर 18 फिर 17, ठीक है, तो छोटी पूछता तो 17, बड़ी पूछिए तो 23, आपका क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ओजोन होल किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है, इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2+√5। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 77, धरा का सही संधि विच्छेद है? तो फ्रेंड इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, धरा धन ईश। आगे बढ़िएगा, आगे इसमें है 78, समश्रुत शब्द अली, अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो फ्रेंड पहला वाला जो अली है इसका है आपका भौरा, और जो लास्ट का अली है इसका नाम है सखी, ठीक है, उसका अर्थ है सखी। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिएगा अली में जो बड़ी की मात्रा आ रही है और सखी में भी बड़ी की मात्रा आ रही है, ठीक है, इस तरह से आप इसको रिलेट करके आसानी से याद रख सकते हैं। तो जिसमें बड़ी मात्रा आ रही है वो सखी का, जिसमें छोटी मात्रा आ रही है वो भौरे का। फ्रेंड्स अब इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, नागर का पर्यायवाची शब्द है, नागर मतलब होता है चतुर, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो गया, चतुर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 80, सन्यासी का विलोम शब्द है, सन्यासी का मतलब होता है जो घर को त्याग दे, ठीक है, जंगल में रहे, तो फ्रेंड्स इसका उल्टा क्या होगा, गृहस्थ, ठीक है, जो गृहस्थी में रहता है। क्वेश्चन नंबर 81, कोल्हू का बैल होना, इसका अर्थ क्या होगा, जो बुरी तरह से काम में लगा रहे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, जब आप इसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो आपका जो आंसर निकल के आएगा, आंसर आएगा 4, इस तरह से जो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखेंगे इसमें, इससे पहले क्या है फ्रेंड, इसमें इंग्लिश का पैसेज है, जब आप ये पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है, आप इनके जो है जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो हम सीधे जो है इनके क्वेश्चन पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 83, वेयर डिड जॉय मीट कारमैन? तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मार्केट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84, जॉयज मदर डिड नॉट वॉन्ट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज, मतलब कि इसमें जो दिया है, जब आप अपने पैराग्राफ यानी पैसेज से पढ़ेंगे तो आपको जिसमें आंसर मिलेगा वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जॉय वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85, 85 देखिएगा, चूज द करेक्ट सिनोनिम। फ्रेंड इसमें जो है आपको सिनोनिम मतलब कि उसके ही जैसा शब्द बताना है, जैसे रैंडम है तो रैंडम का आपको शब्द बताना है कि इसके जैसा, अगर हम इसे यूज ना करें, हमें इसकी जगह दूसरा यूज करना हो तो कौन सा करेंगे, ठीक है, यानी कि सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है रैंडम का, रैंडम का मतलब अपने आप, ठीक है, रैंडम का मतलब होता है जो ऐसे ही हो जाए कोई भी चीज़, ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा सी, ठीक है, एक्सीडेंटली मतलब कि अचानक से कोई चीज़ हो गई। अब इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 86, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर फूड। तो फ्रेंड जब कोई जैसे फूड खाने पर, ठीक है, भोजन करने पर यदि किसी को मतलब एलर्जी हो जाती है, तो ठीक है, एलर्जी से ही आपका जो है यहाँ पर आंसर निकल चुका है ऑप्शन नंबर ए, ये क्या हो गया आपका
ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। और इसमें जो है एलर्जी, मतलब कि कोई ऐसा फूड खा लें जिससे हमें परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो क्या होगा उसके लिए एलर्जी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए फ्रेंड्स ये यहाँ पर आपके किस चीज़ के हैं, रीजनिंग के हैं, यानी कि आपका क्या है इसमें तार्किक क्षमता के क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है आपको, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो फ्रेंड्स जब आप जो है रिलेशन निकालेंगे किससे, फाल्गुनी का निकालेंगे हार्दिक से, ठीक है। तो फाल्गुनी क्या होगा, हार्दिक से किस प्रकार, मतलब किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, यानी कि ससुर की बहन। अब इसमें आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 88 में देखिएगा क्या दिया हुआ है, असंगत का चयन कीजिए, मतलब कि जो इन इन तीन इन चारों में से, ठीक है ये चार दिए गए हैं, तीन एक जैसे हैं, बाकी जो एक है वो अलग है, आपको ओड छाटना है, असंगत छाटना है। फ्रेंड देखिएगा 1225 जो है ये 35 का स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें जो ये 4225 है ये आपका 65 का स्क्वायर है। इसके बाद आपका जो है ये 3025 ये आपका जो है 45 का स्क्वायर है, जबकि आपका 4125 जो है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो फ्रेंड इस तरह से जो आपका जो ओड हो गया ऑप्शन नंबर सी 4125। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89, 8:20 पर, ठीक है, यानी कि 8:20 बजे एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट के बीच का आपको कोण बताना है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 130। आगे देखिएगा चूज़ द करेक्ट एंटोनियम ब्यूटीफुल, फ्रेंड ब्यूटीफुल का आपको उल्टा बताना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अगली। आगे देखिएगा उसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन 91, यदि स्कीम को, ठीक है ये लिखा जाए के रूप में कूटित किया जाता है तो वंडर, ठीक है वंडर के लिए क्या कूट है। तो फ्रेंड जब आप निकालेंगे तो इसमें जो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है XPOEFS। आगे है 91, 91 देखिएगा इन्होंने दिया गया है कथन है कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। तो जब आप इसके निष्कर्ष निकालेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा इसमें केवल जो मिलेगा वो सी, ठीक है आंसर इसमें राइट है सी केवल 3, तो तीसरा जो है इसमें वो सही है, बाकी ये तीनों क्या है ये गलत हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर, भारतीय तकनीकी MSME, ठीक है हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नास्कॉम ने सरकार की एजेंसियों के साथ साझेदारी की है, ठीक है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा रूस, ठीक है यस फ्रेंड्स, ठीक है तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है रूस क्या होगा आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94, सरकार के स्वामित्व वाली रोसाडोम ने हाल ही में भारत के कुंडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत एन ईंधन की आपूर्ति की, इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि रूस। आगे देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में जो है शीर्ष पर है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। आगे है आपका इसमें निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है, ठीक है तो जब आप I2U2 को जान लेंगे तो आप इसमें आंसर कर देंगे। I2 मतलब दो बार I है और U मतलब दो बार U है, तो दो बार I का मतलब है आपका I4 India, ठीक है और I से इसराइल, ये हो गया U से है आपका UAE और USA। आगे है इस फीस में 97, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, तो फ्रेंड्स ये है आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। 99, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में, ठीक है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से संबंधित है, फ्रेंड्स ये है आपका ऑप्शन नंबर डी लोक प्रशासन, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपके जो है ये जो आपका प्रेलेट एग्जाम था 16 अक्टूबर को शाम की शिफ्ट में हुआ था, इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है तो ये हमने आपके सामने डिस्कस कर लिया, पूरा जो है कंप्लीट करा दिया कि किस क्वेश्चन का क्या सही आंसर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि ये आपको
पसंद आया होगा। तो फ्रेंड इसी तरह से बाकी जो 3 सेट और हैं उनको भी हम यहाँ लेकर आएंगे और आपके सामने सही आंसर जो है डिस्कस करेंगे कि किसका क्या आंसर है। और फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।